माई चैनल एंड अ न्यू वीडियो। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बट बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ ना, इसलिए सांस चढ़ जाता है। एनी हाउ, मैंने अपने वीलॉग में जो ऑमलेट बनाया था, ऑमलेट कह लीजिए, मेरी मदर उसे म्यामिन कहती थी क्योंकि उन्होंने जहाँ से रेसिपी ली थी वहाँ पे इसको म्यामिन कहते हैं। एनीवे, वो जो रेसिपी मैंने बनाई थी, जो अंडे मैंने अपने वीलॉग्स में बनाया था ऑमलेट, और उसकी रेसिपी जो है वो मैं अब अपलोड करने जा रही हूँ। आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, और अच्छी लगे आपको मेरी ये वीडियो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। लेट्स चेक आउट कि हम कैसे बना रहे हैं ऑमलेट। जी, तो आज हम बना रहे हैं अंडा, अंडे बना रहे हैं, और अंडे किस तरीके से बना रहे हैं वो, ये उसके लिए मैंने चीज़ें कट की हैं। ये मैंने एक बहुत छोटा सा आलू था उसको मैंने चॉप कर लिया है, ये छोटी सी प्याज थी क्योंकि मैं बना रही हूँ दो अंडे, तो इसलिए छोटी प्याज इज़ इनफ फॉर इट। तो एक छोटी प्याज थी उसे मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पे हाफ टमाटर है इसको मैंने चॉप कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया है और दो हरी मिर्च है, और अंडे आप देख चुके हैं मैंने दो अंडे लिए हैं। लेट्स स्टार्ट। बाकी के सारे इंग्रेडिएंट मैं आपको वक्फे वक्फे से बताती जाऊँगी, ठीक है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें पोटैटोज़ डाल देंगे, जो हमने आलू चॉप किए हुए हैं वो हम डाल देंगे। ये हमने आलू डाल दिए हैं, अब हम इनको आलू को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसके अंदर हम सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो सके। अब हम इन दोनों अंडों को इस वाले बॉल में तोड़ लेंगे। आलू जो है वो तकरीबन सॉफ्ट हो गए, तो मैं अब इसमें टमाटर डाल दूंगी। टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसके साथ ही पकाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, अंडे जो हैं वो मैंने फेंट लिए हैं, अब इसके अंदर में जो ये प्याज है ये प्याज डाल दूंगी अंडों में, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें हम एक साथ डाल के, पहले मैंने अंडों को अच्छे से फेंट लिया, देन में ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ, और ये धनिया भी। ठीक है, ये मैंने अपना सारा चीज़ें डाल दी हैं, अब मैं इसके अंदर नमक और लाल मिर्च डालती हूँ। ये तकरीबन हाफ टी स्पून, हाफ भी नहीं है, हाफ से भी कम है, वन थर्ड है, वन थर्ड टी स्पून मैंने इसके अंदर डाल दी है लाल मिर्च, और तकरीबन वन थर्ड ही मैंने नमक डाला है। मैं वैसे भी थोड़ा नमक कम ही खाती हूँ इसलिए। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है ये दूध है, मैंने इसके अंदर वन टेबल स्पून जो है वो दूध डाल दिया है, जिससे हम चावल खाते हैं वो एक खाने का चम्मच। अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके अब हम देख लें हमारे टमाटर और आलूओं का क्या हाल है। ये अप्रॉक्स सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर, अब मैं इसके अंदर जो है वो अंडे डाल दूंगी। ये रहे मेरे फिटे हुए अंडे, और अब मैं चमचा निकाल के सबको एक तरफ करके सेंटर में मैं इसके ऊपर ये अंडे डाल दूंगी सारे। अंडे डाल के मैं इसे ढक दूंगी। ये देखें, ये मैंने अंडे डाल दिए हैं, और अब मैं ये इसके ऊपर ढक्कन रखने जा रही हूँ। ढक्कन रख के हम, अभी मैंने फ्लेम जो है वो तेज़ किया था, अब हम इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे सुकून के साथ। जैसे ही आपका अंडा फूल जाए तो आप उसके अंदर छुरी डालकर देखें तो आपको पता चल जाएगा ये कच्चा है। ये कच्चा नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऑयल बाहर आ रहा है, ये देखें बिल्कुल साफ जो है वो मेरी छुरी बाहर आई थी, इट मीन्स दिस इज डन। अब हम इसको डिश प्लेट आउट करेंगे। ये देखें जी, हमारा अंडा जो है वो तैयार हो गया है, इतना कोई खूबसूरत लग रहा है, इसके अंदर कलरफुल अंडा बनाए। अच्छा जी, आप होपफुली आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, इजी है बहुत इजीली, मुझे तो बहुत इजी लगा इसलिए मैंने बनाया, मुझे ये रेसिपी याद आ गई थी बेसिकली। एनी हाउ, जो मेहंदी के रिव्यू वाली वीडियो है वो आप इसके बाद देखेंगे, आई थिंक शायद आप इसके बाद देखेंगे, अगर इसके बाद देखेंगे तो आप मेरे बालों का ये शेड देख लीजिए, ये देखिए मैं आपको सारे बाल दिखा देती हूँ अपने। ये मैंने, ये मेरा जो है ये शेड आया था मेहंदी का, ठीक है। बाकी आपको लोगों को मेरी ये कुकिंग की वीडियो, ना ब्रेकफास्ट की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी होपफुली,
बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।